ऋषभ विहार शहादरा दिल्ली में स्थापित, जिसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा जिन मंदिर है जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना नाम है। इस मंदिर जी में मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान जी विराजमान है। मंदिर जी में विराजित तीनों मूल वेदी के दर्शन करने देश विदेश से भक्तों का आवागमन लगा रहता है। मुख्य वेदी पर विराजमान भगवान संभवनाथ की रजत प्रतिमा आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से 2020 में प्रतिष्ठित होकर आकाश मार्ग से गमन करते हुए श्री दिगंबर जैन मंदिर ऋषभ विहार शहादरा में प्रतिष्ठित की गई थी, जिसमें मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के प्रिय शिष्य निरापक मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी, मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का। यहाँ की कीर्ति दूर दूर तक विदेशों में करीब 2.5 वर्ष पहले हुए श्री सम्मेद शिखर जी आंदोलन से हुई, जिसमें ऋषभ विहार जैन समाज ने अपना तन मन धन समर्पण कर सम्मेद शिखर जी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्ष पूर्व परम पूज्य आचार्य श्री सुतसागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में इसी भव्य धरा पर एक अभूतपूर्व कैलाश पर्वत अष्टापद की अकृत्रिम रचना की गई, जिसकी पूरे भारतवर्ष में चर्चा होती रही। इसे देखते हुए दूर दूर से जनसमूह देर रात तक आता था। पिछले वर्ष 2023 में 1008 श्री सुनील सागर जी महाराज ससंग का 50 साधु साध्वियों सहित चातुर्मास कराने का सौभाग्य भी ऋषभ विहार समाज को प्राप्त हुआ, जहां तीनों परम तपस्वी गुरुओं आचार्य श्री सुनील सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी एवं आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल मिलन की साक्षी भी यही धरा बनी। ऐसी पावन पुनीत धरा पर इस वर्ष 2024 में सराकोदारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य परम पूज्य 105 गणिनी आरिका आश्रमती माता जी का चातुर्मास हो रहा है। माता जी के सानिध्य में प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार की भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। अतः आप भी यहां पर विराजमान 1008 श्री आदिनाथ भगवान के मंत्र मुग्ध कर देने वाले अद्भुत चमत्कारी प्रतिमा के मंगल दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो एक बार यहां आकर प्रभु के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। प्रभु जिन नाम की हम कथा सुनाती
कथा जिन राज की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात भोजपुर नाम की। एक नगरी है विख्यात भोजपुर नाम की। यह तपोभूमि है मानतों के मुनि राज की। यह तपोभूमि है मानतों के मुनि राज की। हमें कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की। यह वस्त्रामर है कौन में कथा जिन राज की। यह वस्त्रामर है कौन में कथा जिन राज की। यह वस्त्रामर है कौन में कथा जिन राज की। यह वस्त्रामर है कौन में कथा जिन राज की। यह वस्त्रामर है कौन में कथा जिन राज की। यह वस्त्रामर है कौन में कथा जिन राज। देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समोसरण में 48 दिवसीय विधान का आयोजन चल रहा है। आज विधान का 39वें काव्य में आचार्य भगवान मान तुंग स्वामी जी प्रवेश कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। बिन्नीव कुंभ गल दुज्वल श्रोणितक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा वधा क्रम क्रम गतम हरणाधिपोपी न क्रमधि क्रम योगा चल संतृतम ते। भिन्नीव कुंभ गल दुज्वल श्रोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर जाल विवृत मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा बद्धा क्रम क्रम गतम हरणाधिपोपी न कामति क्रम योगा चल संस्रतम। आचरी भगवान मान तुंग स्वामी जी क्या कह रहे हैं। सिंह सिंह की दहाण करता हुआ, हे भगवान हे भगवान आपकी भक्ति करते हुए दहाड़ता सिंह दहाड़ता सिंह क्रोध में जिसकी आंखें लाल लाल गरजता हुआ और जंगल में से दहाड़ता हुआ निकलता हुआ सिंह भी आपके भक्त के सामने आ जाए, वह भी आपके भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी आपकी महिमा ऐसा भयानक सिंह जिसने गज के मस्तक को फाड़ दिया हो, जिसने गज के मस्तक को चीर दिया हो, ऐसा छलांगे भरता हुआ क्रोधित वह सिंह
भी आपके भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये आपके नाम में शक्ति है। हे भगवान, आपकी भक्ति करते हुए किसी को भी बाल का बाल भी बाका नहीं हो सकता। वह दो सिंह इधर से दो मुनिराज आ रहे हैं और वह सिंह अकेला मुनि, दो सिंह का जोड़ा नहीं सिंह, और इधर से युगल मुनिराज आकाश से गमन करते हुए आ रहे हैं, और इधर से वह सिंह मांस का भक्षण कर रहा है। मुनिराज देख रहे हैं, यह तो कोई भव्य जीव है। हे सिंह, हे सिंहराज, यह मांस भक्षण, तुम मांस भक्षण कर रहे हो? नहीं नहीं, ये तुम्हारा कार्य नहीं है मांस भक्षण करने का। मुनिराज को पता था कि ये तीर्थंकर महावीर स्वामी का जीव है। आगे जाकर के तीर्थंकर बनने वाला है, और उस सिंह ने उसी क्षण उसी पल मांस का त्याग कर दिया। सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। मुनिराज के दर्शन करके, मुनिराज के दर्शन करने से, सच्चे देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है उसकी मोक्ष की टिकट कट जाती है। उस सिंह ने, उस सिंह की पर्याय में ही टिकट मोक्ष की प्राप्त कर ली थी। जब एक सिंह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, एक भील की पर्याय वाला पुरवा भील कौवे के मांस का त्याग करके महावीर भगवान बन सकता है, तो हम भगवान की भक्ति करके भगवान नहीं बन सकते क्यों अखिलेश जी? क्यों भैया? जब एक भील, पुरवा भील जो दिन रात शिकार कर रहा है, मांस खा रहा है, व्यसन कर रहा है, वो एक नियम का पालन करते हुए और महावीर भगवान की पर्याय में जन्म ले रहा है, महावीर भगवान की पर्याय में जन्म लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर रहा है, वे तीर्थंकर महावीर भगवान का जीव जब मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, तो हम भगवान महावीर का नाम लेकर के, हम भगवान आदिनाथ का नाम लेकर के, हम 2400 तीर्थंकर की भक्ति करके क्या भगवान नहीं बन सकते? अवश्य बन सकते। हे गुरुदेव प्रणाम, गुरु माँ, खुशियों का दिन आया है। भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म हो चुका है। जय हो, नमो आदिनाथाय। तो बताइए प्रभु, आपने किसको नमस्कार किया है?
गरीबों में छाई बहारे बहारे तीर्थंकर बालक जन्मे चलिए नगर को चलो चलिए धीरे धीरे जाना सचिए ललन जगे जागे कहीं धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी धीरे धीरे हौले हौले पग पग चाले इंद्राणी छम छम करती चाल लोको तो लेकर के आई मेरी इंदर रानी रानी मेरी महारानी बालक को मोहित खा दे इनके दर्शन करवा दे मन की तृप्ता बुझे जाएगी हो रानी सुन मेरे इंदर राजा राजा मेरे महाराजा बालक को नाहित खाओ इनको नजरे लगे जाएगी हो राजा आते जो प्रभु को दे दे तेरा तो नहीं दोगी प्यारो लगे दिन टेक कर मांग रहे हैं प्रभु को दे दे इंद्राणी हाथों में तीर्थंकर बालक को लेने लगते हैं और वो महाराज दो नयनों से नहीं सहस्त्र नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहारते हैं की जय बोलो प्रभु की जय बोलो और आज इनको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है एक बार तालियां बजाएंगे।